चौराहे वाली शंकर भगवान जी का दरबार लगा हुआ। साढ़े पांच हजार होगी। साढ़े पांच। हर हर महादेव, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो द्वारा। तो मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नरवाल व्लॉग। दोस्तों, अभी हमने स्नान ध्यान कर लिया और अभी हम चलते हैं अपनी आगे की एक और यात्रा पर। तो भोलेनाथ का सभ्य आशीर्वाद बना रहे दोस्तों, मिलते हैं अपनी आगे की यात्रा और आगे के भव्य नज़ारों के साथ। दोस्तों, जो कि हम आए थे हमारे इधर गांव के अंदर, तो वहां से अब चल पड़े अपनी आगे हरियाणा भ्रमण साइकिल की एक और यात्रा पर। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों। दोस्तों, जो कि अभी हम लाखन माजरा से अभी चढ़ चुके अपने हाईवे के ऊपर। दोस्तों, मैं करा रहा हूँ आपकी हरियाणा भ्रमण यात्रा, जो कि हमारी शान की सवारी साइकिल से। और आज हम आए अपने हरियाणा राज्य जिला इसार का एक गांव, गामड़ा गांव। तो बताया जाता है दोस्तों, प्राचीन काल समय में यहाँ पर माँ बनभोरी जी की ईंटें इसी गांव से गई। तो बताया ये भी जाता है कि दोस्तों, हड़प्पा कालीन जो कि हमारा राखी गड्ढी गांव है, उसी गांव से निकलकर इस गांव का निर्माण हुआ। तो आज आए हैं अपने हरियाणा राज्य के जिला इसार का गांव, गामड़ा गांव, और यहां पर स्थित हमारे साथ ग्राम निवासी। तो करवाते हैं अभी इस धरा का आपसे रूबरू अंदर चल के। बताया जाता है ग्राम निवासियों द्वारा इधर जो कि माँ बनभोरी जी की इसी गाँव से ईंटें गई थी। और ये आप देख सकते दोस्तों, जो कि ये अंदर का प्रांगण है। और हमारे भक्तों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो कि प्राचीन समय में इधर बहुत बड़ा वन हुआ करता था और इधर ही माँ बनभोरी जी का मठ था। तो भगत जी दर्शन करवाओ अंदर चल के हमें। अभी आप देख सकते दोस्तों, यहाँ पर श्री शंकर भगवान जी का दरबार लगा हुआ है और इधर आप देख सकते हो कि पिंडी रूप में विराजमान है श्री शंकर भगवान। कितना प्यारा दरबार सजाया महादेव। इधर आप सामने देख सकते श्री शंकर भगवान, हमारे पास में श्री गणपति भगवान, और इधर पर माँ गोरजा जी। देख सकते इधर माँ विंध्यवासिनी अष्टभुजाधारी माँ शेर सवारी, कितने भव्य रूप के साथ। और ये ऊपर से आप तुम बद के दर्शन कर सकते दोस्तों, कितना भव्य दरबार बनाया गया माँ देवी मंदिर का। और अच्छा अच्छा, ये उधर हनुमान जी हैं जी जी। और अभी आप देख सकते दोस्तों, जो कि श्री लंगर वीर हनुमान जी, हमारे ग्राम निवासी श्री छोटू राम जी लेके चल रहे हमें माँ बनभोरी वाले के दरबार में। गद्दीपति श्री श्री बाबा पागलनाथ जी महाराज, जो यहाँ पर गद्दी सीन है और यहाँ माँ की अखंड जोत जला के आराधना कर रहे हैं माँ के दरबार की। तो उधर सुन से पहले अच्छा अच्छा राखी जो थे है नी, हाँ उस थे का टाइम का जी जी, गांव पाथ बस है और जंगल हो गया पूरा जी जी जी, उसमें पाया था ये मंदिर माता का जी 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 जी। बाबा बजरंग बली की आओगी, भैरव की आओगी, हाँ जी हाँ जी, और माँ ये खंड जो चल रही है। तो दोस्तों, अभी आप दर्शन कर सकते हैं माँ महामाया की स्वयं ज्योत रूप में विराजमान। इधर देख सकते हैं कितना सुंदर और सुहाना दरबार सजाया महामाया का। और जो कि अभी यहाँ पर मूर्ति की भी स्थापना होने वाली दोस्तों, क्योंकि यही वो धरा है जहाँ से माँ बनभोरी जी के दरबार में ईंट गई। पूजनीय बाबूजी लेके चल रहे हमारे उस धूणे के पास जहाँ पर साधुओं ने आराधना की। अच्छा, ये त्रिवेणी है जी जी जी, देख सकते हैं दोस्तों त्रिवेणी का ये कितना जी 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 सुंदर दृश्य बना हुआ है दोस्तों। ये कौन से पेड़ है बाबा? बड़ पीपल नेम। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि श्री
मेहर सिंहनाथ जी महाराज की ये समाधि स्थल बनाया गया है यहाँ पर भक्तों द्वारा। अब दोस्तों दर्शन कर सकते हैं इस दूने के, जो कि देख सकते हो कितना सुंदर और भव्य दरबार सजा शंभु जति गुरु गोरखनाथ जी महाराज का। बोल सच्चे दरबार की जय। दर्शन कर सकते श्री शनि महाराज, माँ छाया के लाल और सूर्य के पुत्र श्री शनिदेव महाराज। और इधर आप देख सकते जो कि प्राचीन साधुओं के यहाँ मठ भी बने हुए हैं। बाबा कितने साल पुरानी समाधि हो गई है? हम तो जान में भी कौन थे। अच्छा प्राचीन समाधियाँ हैं। और ये इधर झूल भी लगी हुई है। हाँ झूल देख सकते हैं दोस्तों, जो कि इस स्थान पे साधु लोग तपस्या क्या करते। और एक झूल लगी हुई है यहाँ पर जो कि खड़े श्री बाबा जी की, जो कि उनके जाने के बाद यहाँ पर भगत जनों ने उनका एक निशान के रूप में इसी दरा पे इस झूल को रख लिया। और इधर देख सकते हो ये प्राचीन समाधि बताई जाती है हमारी बाबा खुशीनाथ जी महाराज। देख सकते दोस्तों माँ चारों रस्तों की मालिक चौराहे वाली माँ मैदान माता। देख सकते दोस्तों और इधर ऊपर श्री कार्तिकेय भगवान और ऊपर श्री ब्रह्मा जी, उससे ऊपर श्री हनुमान और श्री शंकर भगवान जी। देख सकते दोस्तों क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपका हमारी वीडियो द्वारा इस प्राचीन संस्कृति का रूप। आप दर्शन कर सकते दोस्तों माँ काल की देवी, काल की रानी माँ काली। और इधर माँ वीणा धारिणी, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती। ऊपर देख सकते दोस्तों कितना पावन दृश्य माँ के दरबार के। और कितने अच्छे मनोरम शिल्पकारों द्वारा देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य इस दरा का। जो कि अभी हम आए अपने बाबूजी धूप सिंह के पास, जो कि गांव गामड़ा निवासी है, जो कि शहर के अंदर स्थित है। और इनसे भी पूछते हैं माँ बनभौरी का इतिहास, जो कि यहाँ से बताया जाए इसी गांव से माता बनभौरी की ईंटें बनभौरी के अंदर के। तो बाबूजी क्या इतिहास है यहाँ का है? क्या इतिहास बताया जाता है यहाँ पर, कुछ वीडियो द्वारा बताओ आप हमें। कितनी पुरानी है यहाँ? हाँ यार देखे बन में से भी केवड़ा कटकी है। जी जी ये तो गाँव बसा है नहीं। जी जी जो कर 4,000 साल 5,000 साल कितने को गए होंगे देख ले भी गाँव राखी मोट आगे बसा से। अच्छा अच्छा अरे बन तो हो गया है। जी 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 अरे बन में लकड़ी है यार। जी 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 5,000 तो हो गया होंगे यार। राखी भी अटके बसी से यार। हाँ उन्होंने ग्रक हो गई थी पहला 5,500 हो गई। 5,500 साल हो गए। अच्छा अच्छा तो कौन लेके गया था यहाँ से इटे बन बोरी? न्यू खोली बाणिया लेके गए हैं। बाणिया लेके बाणिया लेके गए हैं दो ईंट। अच्छा बाणिया दो ईंटे ले गए। हाँ जी जी जी। अच्छा फिर इस करके नहीं ओड़ा है, जगह खुली थी। जी जी जी। अच्छा मेले माले लगन की इस कारण गई। ये जंगल में मिली हुई माता जी? हाँ जंगल में गांव बसा उस टाइम। गांव भी करी को नहीं यार पाई है। अच्छा पाई गई है पहले से यार बन में थी। जी जी जी। तो बाबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपनी संस्कृति के बारे में आने वाली पीढ़ी को हमारे हरियाणा भूमि के बारे में परिचित कराया। आज आपने दर्शन किया हमारे वीडियो द्वारा इस गामड़ा गांव के अंदर स्थित उस देवी मंदिर के, जहाँ पर ग्राम निवासियों द्वारा बताया जाता है 70 वर्ष पूर्व यहाँ से जो कि माँ बनभौरी जी की ईंटें इसी जगह से गई और वहाँ बनभौरी गांव के अंदर उसका भव्य दरबार सजा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती कृपया हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों कृपया भाईचारा कायम रखें हर दूसरे स्थान पर, क्योंकि हर गांव के अंदर हर प्रदेश में और देश में आपको एक भाईचारा ऐसी शक्ति है जो आपको हर जगह मिलेगा और आपकी हर बुरी मुश्किल में भाईचारा मदद करेगा बाहर निकलने से। तो दोस्तों कृपया अपरिचित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, क्योंकि आपकी एक सेकंड की भूल और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हो। दोस्तों कृपया नशे से बचें, अपने इस परमात्मा के दिए हुए अलौकिक और बहुमूल्य जीवन को कृपया नशे में व्यर्थ ना करें और दोस्तों अपने रास्ते से न भटके। तो दोस्तों मिलते अपनी हरियाणा भ्रमण साइकिल यात्रा की एक और आगे की भव्य और मनोरम दृश्य वाली वीडियो के साथ।
तो भोलेनाथ सबके साथ हर हर महादेव, जय हिंद।